2021 शुभ मंगल सावधान और हम हाजिर हैं लपेटे में नेताजी लेकर। जी हाँ, बिल्कुल खास लपेटे में नेताजी 2020 की विदाई के लिए और 2021 के स्वागत के लिए। 2020 की विदाई किन नेताओं के साथ हम करना चाहेंगे वो हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया, कांग्रेस से हमारे साथ हैं गौरव वल्लभ, बीजेपी से आरपी सिंह साहब, आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज, लेफ्ट से आमिर जैदी साहब और जन अधिकार पार्टी से शोएब जुमाई। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और छह पार्टियां हैं, ये अब तक का हमारा सबसे मेगा शो है कि छह पार्टियां बड़ी बड़ी कवियों के हत्ते अब हैं चढ़ी। छह पार्टियां बड़ी बड़ी कवियों के हत्थे अब हैं चढ़ी। पहली दुनिया की नंबर वन पार्टी, आप समझ ही गए होंगे मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। एक नंबर की पार्टी कांग्रेस। पहली दुनिया की नंबर वन पार्टी, नंबर वन पार्टी फर्जी सिम से भी मिस कॉल मारती। सदस्यता अभियान। फर्जी सिम से भी मिस कॉल मारती, मिस कॉल मारती। खाने पीने कुछ भी ना दें, बिल्ले के आए घड़ी घड़ी। छह छह पार्टियां बड़ी बड़ी कवियों के हत्थे अब हैं चढ़ी। के है दूसरी गांधी परिवार पार्टी, परिवार पार्टी डेमोक्रेसी उतार रही आरती, उतार रही आरती। इनके लीडर हो ट्रिलियन मगर, इनके लीडर हो ट्रिलियन मगर अध्यक्ष इनके होंगे वही। छह छह पार्टियां। तीसरी पार्टी के नेता हैं सर जी, सर जी। अरे भैया, तीसरी पार्टी के नेता हैं सर जी, नेता हैं सर जी। सारी दुनिया लगे उनको फर्जी, सारी दुनिया लगे उनको फर्जी। इनको लगता है सब हैं मिले, उनको लगता है सब हैं मिले, मिलकर ये दुनिया पीछे पड़ी। छह छह पार्टियां कवियों के हत्थे अब हैं चढ़ी। गुरुजी सुनना, के चौथे नेता की पंचर है साइकिल। गई मुस्कुराहट। लाओ लाओ गुरुजी, 500 रुपए दो। शर्त लगाई थी ना, आज भी हरा कुर्ता पहन के आएंगे, मैंने शर्त लगाई थी। काम कर, पैसे तो नहीं है। अच्छा, तू 5 दिन ये कुर्ता पहन ले, फिर तो चुप जाएंगे। कोई बात नहीं, 5 तो धुलवाने में लग जाएंगे मेरे। हमने सोचा था नया साल है तो कम से कम कुर्ता तो नया ले लेंगे। हालांकि एक बात बताऊं, 500 में 5 आ जाएंगे। भाई जिंदाबाद। वैसे एक बात बताऊं तुमको भदौरिया जी, आपको सबसे फजूल खर्चे करने वाले आप हैं। आपका कुर्ता घुटने से भी नीचा है, अगर इसमें 4 अंगुल कपड़ा और बढ़वा लेते तो नीचे का पजामा बचता नहीं। मैं बता रहा हूँ भदौरिया साहब, ये तो 2020-2021 है, पिछले साल 2020 अब नया साल मनाया जा रहा था। मैंने एक समाजवादी पार्टी वाले को कह दिया हैप्पी 2020, वो थोड़ा ऊंचा सुनते थे, वो समझे हैप्पी 2020। जैसे तैसे जान बचा लिया। सुनना आनंद का है के चौथे नेता की पंचर है साइकिल, पंचर है साइकिल, बंगलों की टोटी ये करते रिसाइकिल। ट्विटर फेसबुक पर रेगुलर चिड़िया उड़ाए बड़ी बड़ी। छह छह पार्टियां बड़ी बड़ी। बहुत अच्छे सुदीप भाई। पांचवा सुनिएगा,
कि ये बाम पंथी ना सुधरे कभी। आपके आपके सीनियर हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमें कोई खतरा नहीं है। बैठे हुए भाई साहब, बाम पंथी अभी तुम हो। बहुत अच्छे अभी हो। कि ये बाम पंथी ना सुधरे कभी, नारे मिलकर लगाओ सभी, अपने हाथों से करते हैं ये अपनी ही खटिया देखो खड़ी। छह छह पार्टियां बड़ी बड़ी। और मैं तो जमाई साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। मैं आपको एक आप इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, धर्म गुरु की तरह आपको मैं मानता हूँ। सुनिएगा के नेता नहीं पर हैं पक्के ये दाव में। दाव में नेता कम है, नेता नहीं पर पक्के हैं दाव में, पक्के हैं दाव में, धर्म का ठेका सियासत के गांव में। बहुत अच्छे, धर्म का ठेका सियासत के गांव में। यूं तो खुद में हम सब की बात कर रहा हूँ, यूं तो सब में ही सौ एब हैं। आए हाय सौ एब, बहुत अच्छे। यूं तो सब में भी सौ एब हैं और सबके बताएं घड़ी घड़ी। तो दिल पे मत लीजिएगा, आप सबका स्वागत है। लेकिन आईने के सामने जो बड़े लोग होते हैं, जिनके चेहरे साफ होते हैं, आज आप आए हैं तो आपका स्वागत है। सर मैं प्रणाम करता हूं आप सभी लोगों को। मैं कानपुर से आया हूं आपको भदौरिया जब भी मैंने बताया था, और आपसे ये भी कहा था कि कानपुर में इस बार आपकी सीटें बढ़ रही हैं। दिक्कत ये है कि जो मिलता है आप उसी को ये कहते हैं। नहीं सर मैं वही बता रहा हूं, सर मैं वही बता रहा हूं। नहीं सर ये आपने मुझे सही पकड़ा, ये मेरी आदत में है। लपेटने से पहले मैं बता देता हूँ सीटें बढ़ रही तो ज़्यादा वो नाराज ना हो। हमारे गुरु जी बैठे हैं, गौरव वल्लभ जी को मैं गुरु मानता हूँ। वो जब भी डिबेट में आते हैं तो ऐसा लगता है कि, और गुरुजी हैं भी, सबको पढ़ाते लिखाते सब कुछ है। तो नहीं बढ़ रही है ना सीटें। अब मैं सर क्या बताऊं, मैं चार पंक्तियां आपके सम्मान में गुरुजी के, इनकी तो घट रही है ना सर। अब क्या बताऊं, नहीं नहीं अब नहीं बढ़ रही है, पर तुम्हें अपनी घटानी है तो आपके और पैक्ट कर लेना। सुन लीजिए मैं चार पंक्तियां सुना रहा हूँ, गौरव सुनो, कविता की सुना रहा हूँ और अपने ऊपर सुना रहा हूँ। सर आप उसको अपने ऊपर ले सकते हैं, हालांकि है वो आपके ऊपर ही, लेकिन मैं सुना अपने ऊपर रहा हूँ। चार पंक्तियाँ सुनिएगा कि सुबह उठते ही हम मॉर्निंग वॉक चले जाते हैं। सभी लोग जाते हैं सुबह उठते ही, हम मॉर्निंग वॉक चले जाते हैं, फोन को करके अपने हम लॉक चले जाते हैं। आप आए हैं गुरु जी तो हम मिलने चले आए, वरना नए साल में अक्सर हम बैंकॉक चले जाते हैं, वरना नए साल में अक्सर हम बैंकॉक चले जाते हैं। चार पंक्तियां आपको और सुना रहा हूं। चुनाव करीब है, आप आपस में खाई बांट रहे हैं। हाँ। सारे लोगों के लिए लागू है। चुनाव करीब है, आप आपस में खाई बांट रहे हैं, जो बीमार ही नहीं है उन्हें दवाई बांट रहे हैं। किसान कह रहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हाँ हाँ। आप उसके लिए बिल ले आए। चुनाव करीब है, आपस में खाई बांट रहे हैं, जो बीमार ही नहीं उन्हें दवाई बांट रहे हैं। जब से सुना है राहुल जी फिर से अध्यक्ष बनेंगे, तब से बीजेपी वाले खुशी में मिठाई बांट रहे हैं। बीजेपी वाले मिठाई में बांट रहे हैं। और भदौरिया जी चार पंक्ति और सुनिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय क्या है। हमको तो बस माटी के लाल दिखाई देते हैं। क्या बात है, हमको तो बस माटी के लाल दिखाई देते हैं, चीनी पाकिस्तानी हमको काल दिखाई देते हैं। अखिलेश भैया से पूछा हमने क्या दिखता है 22 में, वो बोले सपने में हमको चाचा शिवपाल दिखाई देते हैं। वो बोले सपने में हमको चाचा शिवपाल दिखाई देते हैं। उनको रात में सर चाची तो चाचा मान गए ना तो। नहीं अभी सर कहाँ मान गए, मानेंगे भी नहीं जी। मैं अभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सुना रहा था, आम आदमी पार्टी के लोग बहुत हंस रहे थे। तो मैं आपके भी सम्मान में भैया चार पंक्तियां सुन लीजिएगा, और आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आपको सुना दे रहा हूँ। पूरा हर एक आपका अरमान करेगी, पूरा हर एक आपका अरमान करेगी, जनता फिर से आपका गुणगान करेगी। पूरी तारीफ मैंने लिखी है, पूरा एक आपका अरमान करेगी, जनता फिर से आपका गुणगान करेगी। दिल्ली की पुलिस से जो कसर रह गई हो, यूपी पुलिस आपका सम्मान करेगी। आपका सम्मान करेगी। नमस्कार करता हूँ, आरपी सिंह प्रणाम, मैं टीआरपी सिंह। अभी तक भाजपा को किसी ने नहीं घेरा, मैं भाजपा का परम भक्त हूँ। हाँ मैं परम भक्त हूँ,
और आपसे पिछले साल क्या गलती हुई, लेकिन नए साल में हम कुछ उम्मीदें करते हैं आपसे कि नए साल भक्तन की नाक ना कटइयो। कि नए साल भक्तन की नाक ना कटइयो, जैसे भक्त लटके हैं, अरे जैसे भक्त लटके हैं खुद न लटक जाइयो। नए साल भक्तन की नाक ना कटइयो, कि देखिए हमारा कैसा हाल बन गया, 2020 तो बवाल बन गया, देश का विकास झूठ पी के सो रहा, कोरोना तुम्हारे सारे दाग धो रहा, नौकरी जाती रही, जेब चेढ़ाती रही, बीवी घर आती रही हो, जीडीपी धूल हुई, जिंदगी शूल हुई, हमसे का भूल हुई हो, अरे चालानों में जुर्मानों में बीता है बरस, हाय रे हाय रे हाय रे, आम आदमी पे अब तो दया दिख लियो, आम आदमी पे, हाँ आम आदमी पे अब तो दया दिख लियो, वैक्सीन आए तो, वैक्सीन आए तो मुफ्त लगवाइयो, नए साल भक्तन की नाक ना कटइयो। और फिर से क्या काम रहे आपके नए साल में, ऐसा कुछ मत करना वरना हम क्या जवाब देंगे सरदार जी। कि सिर्फ तंगी बढ़ी कोई काम ना बढ़े, ऐसी कौन चीज जिसके दाम ना बढ़े, सिर्फ तंगी बढ़ी कोई काम ना बढ़े। गौरव वल्लभ जी आज मुझसे बहुत खुश हैं, नमस्कार सर। सिर्फ तंगी बढ़ी कोई काम ना बढ़े, ऐसी कौन चीज जिसके दाम ना बढ़े, पेट्रोल डीजल हाई रेट हो गया, कितना बड़ा सरकारी पेट हो गया, रूठा ये किसान क्यों है, रूठा ये किसान क्यों है, ये घमासान क्यों है, जनता परेशान क्यों है हो, रसोई खाली हुई कैसी रखवाली हुई, फीकी दीवाली हुई हो, अरे आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है, हाय हाय रे हाय रे। और ये पंक्तियां सरदार जी जाना और अपने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में बैठ के सुनाना, कि या तो नए साल महंगाई तुम घटइयो, क्या बात है, वाह वाह, या तो नए साल महंगाई तुम घटइयो, और या तो झोला लेके बद्रीनाथ चले जाइयो, या तो झोला लेके बद्रीनाथ चले जाइयो, नए साल भक्तन की भक्तों चिंता होती, लोग प्राण ले लेते मेरे। बहुत पीड़ित हैं, बहुत पीड़ित। नहीं, मैं आपकी पीड़ा समझ रहा हूँ, परंतु मुझे पता नहीं आखिरी बार कब जाकर आप सब्जी दाल आटा लेकर आए, कभी घर का सामान लेकर आए, लगता जाते नहीं। अरे सरकार जो मुफ्त में दे रही वो खा रहे हैं, सुनते रहिए, नौकरी नहीं है 9 महीने से, ये लपेटे वाले पैसे देते थे 1,000-2,000। आप सही कह रहे हैं, उनको आश्चर्य हो रहा है कि इतनी सारी सरकारी नीतियों के बावजूद तुम खरीदने की सोच कैसे सकते हो। लेकिन वो सही है, मैं ऐसे हिसाब इसी से जोड़ देता हूँ। नया साल आ रहा है गौरव वल्लभ जी, और नया साल आ रहा है तो पिछला साल जो जा रहा है मैंने उसका थोड़ा आकलन किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ में ही बता दिया था कि आपदा में अवसर जुटाने चाहिए, बस वो कैसे जुटाएं इस पर सिंह साहब आपको समर्पित करता हूँ। कि ऐसे आपदा में अवसर जुटाए, ऐसे आपदा में अवसर जुटाए, कोई ना बोल पाए, कोरोना इनकी ढाल हो गया, अपने मोहरे तो खुल कर चलाए, बेखटके आए हाय, औरों पे क्यों बवाल हो गया। और क्या क्या कोरोना का सदुपयोग किया है राजनीति ने, कि मार्च महीने में जनता के सिर पर लटका कोरोना, पर एमपी में सीएम बदली में नहीं खटका कोरोना, पर एमपी में सीएम बदली में नहीं खटका कोरोना, शिक्षा कारोबार सफर को दे गया झटका कोरोना, शिक्षा कारोबार सफर को दे गया झटका कोरोना, अप्रैल में तबलीगी के सिर लापटका कोरोना, अप्रैल में तबलीगी के सिर लापटका कोरोना, कभी जनता से थाली पिटवाए। मैं भारतीय जनता पार्टी का इसलिए बधाई देता हूं अनुराग जी,
ये पहली ऐसी सरकार है जिसने जनता के हाथ में सच का झुंझुना थमाया। आपकी सरदार जी ने पीठ थपथपा दी इस बीच में। सर सुन तो लो, सर सुन तो लो, हम भी पीठ ही थपथपा रहे हैं। राजनीति आपदा में अवसर जुटाया कि कभी जनता से थाली पिटवाए, जनता कर्फ्यू लगाए, फिर मजहबी सवाल हो गया, ऐसे ना ना ने सब सर जो। और अगला बंद सुनो, जनता के सुख से करता है नैन मटक्का कोरोना, जनता के सुख से करता है नैन मटक्का कोरोना, लील गया हर एक उत्सव का धूम धड़क का कोरोना, इनको गद्दी देता सबको देकर धक्का कोरोना, इनको गद्दी देता सबको देकर धक्का कोरोना, रैली में जाकर रह जाता हक्का बक्का कोरोना, रैली में जाकर रह जाता हक्का बक्का कोरोना। और जब दिवाली पर जनता पर नियम लगाएगा तब मैंने दो पंक्तियां लिखी कि रैली में जाकर रह जाता हक्का बक्का कोरोना, तुमने खुद तो हरी के गुण गाए, तुमने खुद तो हरि के गुण गाए, दिवाली भी मनाए, जनता पे मकड़ जाल हो गया, ऐसे आपदा में। और अंतिम बंद और सुन लीजिए, वो मन की सी बात है। अफवाहों के दम पर तिल का ताड़ बन गया कोरोना, अच्छा है वाह, अफवाहों के दम पर तिल का ताड़ बन गया कोरोना, गिरती इकोनॉमी के आगे आड़ बन गया कोरोना, गिरती इकोनॉमी के आगे आड़ बन गया कोरोना, अवसरवादी के प्रॉफिट का झाड़ बन गया कोरोना, आंदोलन को सीमित करने बाढ़ बन गया कोरोना, आंदोलन को सीमित करने बाढ़। और अंतिम पंक्ति, एक एक व्यक्ति का समर्थन मांगता हूं अंतिम पंक्ति पे, कि आंदोलन को सीमित करने बाढ़ बन गया कोरोना, अपने मेयर सड़क पे बिठाए, अपने मेयर सड़क पे बिठाए, सीएम को घिरवाए, किसानों पे मलाल हो गया, ऐसे आपदा में अवसर जुटाए। जहां तक किसानों की बात है उस पर सरकार अभी भी बातचीत जारी रखे हुए है, और मुझे अपेक्षा है, अरे बदड़िया भाई, और अपेक्षा है कि उसका रास्ता निकलेगा, और अच्छा रास्ता निकलेगा, उनकी सुविधा अनुसार रास्ता निकलेगा। आमीन। आपने गलत बात बोली है कि सीएम, इनके यहाँ सीएम वीएम कुछ नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी ने क्या कहा कि जो भी करते हैं वो पीएम ही करते हैं, यहाँ सीएम वीएम कुछ नहीं है, सरकार भी वही गिराते हैं। आप कहीं ये मत समझ लेना कि कोई रास्ता कोई और सीएम वीएम निकालेगा, जो भी निकलेगा वो पीएम ही निकालेंगे। पर पीएम अभी बात कर रहे हैं किसानों से कच्छ में, क्योंकि यहाँ 40 किलोमीटर दूर जो आप बॉर्डर पे है वहाँ जाने का उनको समय नहीं है, वो कच्छ में किसानों से अपनी मन की तो बात। कोरोना में दूरी भी तो रखनी है। राजस्थान पहली बार ऐसा हो रहा होगा किशोर जी कि हमको नए साल के आने से ज़्यादा इस 2020 के जाने की खुशी हो रही है, जैसे ये हमने गुजारी है। आप सबको बधाई देता हूँ मैं इसमें, और एक कविता पढ़ता हूँ। आप सबको बधाई नए साल की, और भाजपा को अलग से बंगाल की। आप सबको बधाई नए साल की, और भाजपा को अलग से बंगाल की, खेल खेल कर पथराव और आग से कई पेड़ उखाड़ लिए दीदी के बाग से। क्या बात है, वाह वाह, दीदी का बाग, दीदी का बाग। कुल मिलाकर जैसे वकील गवाह तोड़ते हैं, वैसे ही विधायक अमित शाह तोड़ते हैं। बहुत है, बहुत है। तारीफ तो बनती है उनके इस कमाल की। आप सबको बधाई नए साल की, और कांग्रेस को बधाई नए साल की। सदस्य तो मिले जब मिले, समस्या तो है अध्यक्ष वाली फिलहाल की। राहुल से फंसे हुए जंजाल की, और सपा को भी बधाई साहब। आपको बधाई इसलिए कि आपने एक्सप्रेसवे बनवाया था, उसकी मेट्रो मैं हाँ वो बनवाया था आपने, बहुत कुछ था उसमें शुरू, उसमें शुरू में ही मिराज और सुखोई विमान उतार गए थे एक्सप्रेसवे पर, लेकिन पार्टी में झगड़ा कलह इतना बढ़ गया कि जिनके इशारों पर मिराज और सुखोई सड़क पर आ जाते थे, वो खुद एक साइकिल के लिए सड़क पर आ गए। क्या बात है। सपा को बधाई इस बात की, हाथ का साथ गलती मानने के ख्याल की, ठीक अब तक जो ना हुई साइकिल की उस चाल की। और आपके लिए जयदी साहब, अब कम्युनिस्टों को बधाई नए साल की, बंगाल में चुनाव हो और आपकी चर्चा ही नहीं। आए हाय, क्यागत बना दी पार्टी के फटे हाल की। आए हाय,
आप सबको बधाई नए साल की, और काफ़ी कुछ चिराग ने पढ़ा वो 2020 के मोदी जी के विजन के बारे में। चिराग, इस पूरी पृथ्वी पर मोदी जी से ज़्यादा दूरदृष्टि वाला इंसान है नहीं, मैं आपको सच में नहीं है। देखो वो ट्रंप तो अब हारे, उन्होंने तो फरवरी में ही नमस्ते ट्रंप कर दिया था। एक तो हमारे जो सीनियर साथी हैं, एक तो उन्होंने बीते हुए लम्हों की कसक याद तो होगी, मेरे सीनियर हैं, इन्होंने जो कहा उसका सम्मान है। हमारे दूसरे मित्र बैठे, उन्होंने कहा कि आपका क्यों बात नहीं हो रही बंगाल में, इसका सम्मान है? नहीं नहीं, पहले तो उनका सम्मान है, लेकिन मैं उनकी बात का तो जवाब इसलिए दूंगा कि कम्युनिस्ट कहीं नहीं दिखाई देते, कहीं नहीं दिखाई देते, लेकिन अजीब है बीजेपी को सपने में कम्युनिस्ट दिखाई देते हैं। जब भी कोई सड़क पे आंदोलन होता है तो वो कम्युनिस्ट होता है या वामपंथी होता है, तो इन्हें तो सपने में दिखाई देते हैं मेरे मित्र, आपको तो भी आप अपनों में रहो ना, बीजेपी के सपनों में क्यों रह रहे हो? आपके लिए भी लाया था, आप बधाई नहीं, मैं जानता हूँ आप बधाई यहाँ तो स्वीकार कर लेते, बाद में जाके फाड़ देते। मैंने देखा एक छोटे से बच्चे को किसी दुकानदार ने, सेठ ने उसके हाथ ठेले पे इतना वजन लादा और उसे कहा ले जा, वो बेचारा छोटा सा बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा वजन लेके एक फ्लाईओवर पे ढकेलता जा रहा था, तो जब चढ़ नहीं रहा था तो एक नरम दिल नेता, नेता ही होगा नरम दिल और कौन हो सकता है, समाजवादी है तो हाय हाय, अब वो तो आगे बता दो। वो ठेला करे साइकिल नहीं, तो जैसे ही उसको देखा तो वो भी बेचारे तड़प के उसके साथ लग गए। उस लड़के ने पूछा आप कौन, बोले आप ही जैसे, और चढ़ाते चढ़ाते पसीने पसीने जब वो ऊपर तक पहुंच रहे थे तो नेता ने उस बच्चे से सवाल किया कि तेरे मालिक को रहम नहीं आया इतना वजन लाद दिया? तो बच्चा मासूमियत से बोला नहीं, वो बोल रहे थे कि तुम ले जा, रास्ते में कोई ना कोई बेवकूफ मिल ही जाएगा। हर नेता के बगल में एक प्लेकार्ड रखा है यस और नो का, तो मैं अब कुछ सवाल करता हूँ लपेटने के लिए। ये प्लेकार्ड आपके पास है और कैमरा लगा है यहाँ वॉल के ऊपर, आपको सिर्फ सवाल कॉमन है सभी लोगों के लिए, आपको यस या नो कैमरे को दिखा देना है। पहला सवाल, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे? ये कह रहे हैं कि इसको घुमा दो, या इनको साथ ले लिया तो कभी ना होंगे। चलिए अगला सवाल, बंगाल में लेफ्ट की सरकार बनने वाली है? लेफ्ट की सरकार बनने वाली है। एक यस आया, दो यस। गौरव जी आप हर जगह सारे के साथ होने की तरह राजी हैं? इनका समझौता हो गया, केवल दो, इनका 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 समझौता हो गया, जिन जिन के साथ होता है उसका तो कभी कुछ ना होता। देखिए भाई साहब, वो कह रहे हैं इनका समझौता हो गया लेफ्ट से, तुम लेफ्ट से समझौता करके उनका क्या बिगाड़ोगे, उन पर कुछ है ही नहीं। राहुल गांधी 2024 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? केवल दो यस। ये आपका साथ कतई देने को तैयार नहीं, आप कुछ ही दे दो इनको। चलिए अगला सवाल, अरविंद केजरीवाल बीजेपी के विरोधी हैं? सिर्फ बीजेपी मान रही है आपको अपना विरोधी, बाकी कोई आपको उनका विरोधी नहीं मान रहा। एक्चुअली क्या है कि देखिए, क्यों एक्चुअली सब मिले हुए नहीं, 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 नहीं। देखिए ये बात जो है आपकी जुबान पे सरस्वती है, ये सारे मिले हुए। और दूसरी बात, आप इस बात दूसरी बड़ी बात ये है कि क्योंकि हम बीजेपी के विरोधी हैं तो हम इन सब का स्पेस खा रहे हैं, सपा का भी और कांग्रेस का भी, तो ये हमसे नाराज होंगे। शाहीन बाग का धरना सही था? यस 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 यस, केवल बीजेपी नो। अल्पमत में रह गई सरकार, अल्पमत में है बीजेपी। चलिए
पेट्रोल डीजल की महंगाई जायज है। इसके लिए तो मेरा बिल है। हाँ नहीं सर, इसको सीधा करिए। हाँ, मतलब है यस या नो? सुनिए सुनिए सुनिए, इनकी सरकार में जायज है, कांग्रेस की सरकार में नाजायज थी। आपने बोल दिया ना, मैं मेरे से सुन ली, पूछा मुझसे दोस्त, माइक मेरे आके जवाब आप देंगे। देखिए अभी जो कोरोना काल चला और जिस पूरी लड़ाई के लिए जो जरूरत है उसके अनुसार चिंता की जा रही, अन्यथा ऐसा सच नहीं है कि अरे अरे दोस्त मैंने कहा, तो इसलिए जो कोरोना काल के चलते हुए थोड़ा कष्ट है अन्यथा। अच्छा, जो कोरोना काल से पहले बढ़ गया था तब? नहीं, उस समय सुनिश्चित बिल्कुल उस समय जो 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 इंटरनेशनल मार्केट्स तय कर रही उसके हिसाब से था, और इस समय जो है थोड़ी कोरोना के लिए देश को संसाधनों की जरूरत है उसके कारण से। चलिए अगला सवाल। देश में अब किसी के पास काला धन नहीं है। सबसे ज्यादा तो इन्हीं के पास है। देश में किसी के पास पड़ी क्वेश्चन वापिस पड़ी है। हाँ, देश में अब किसी के पास काला धन नहीं है। नहीं है, है देश में। नहीं, काला धन तो जितना पहले था उससे ज्यादा है, ये तो सबको मालूम है। तभी तो विधायक पकड़े जाते 60-60 लाख रुपए के साथ। 2024 में बीजेपी के खिलाफ पूरे विपक्ष को एक हो जाना चाहिए। यस, बीजेपी के खिलाफ हो जाना चाहिए इसमें, इसलिए सब लोगों ने हाँ बोला। कांग्रेस के साथ बोलता तो कोई ना बोलता। सुनिए तो सर, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो इनके साथ है, वो भी इनके विरोध में खड़े हैं। आप बाहर को तो छोड़ दीजिए, अभी कृषि बिल पे राजस्थान की एक क्षेत्रीय पार्टी इनके साथ है, वो इनके खिलाफ है। एकमात्र मंत्री है एनडीए के नाम पे, बाकी तो सब बीजेपी के मंत्री है। जो बॉम्बे से अठावले साहब है वो कह रहे हैं मैं कृषि बिल में इनके साथ नहीं हूँ। और कौन कौन गए छोड़ के बारी बारी, उसकी लिस्ट तो लंबी है। आखिरी सवाल। 1 ट्रिलियन में 13 जीरो होते हैं। ये गौरव वल्लभ साहब का सवाल इसलिए कि इनकी पार्टी को जीरो गिनना खूब आता है। ये पहला है। पता नहीं किसको जीरो गिनना, में देश ने देखा कि किसको जीरो गिनना आता है और किसको नहीं आता, मुझे बताने की उस पर जरूरत नहीं है। आप ये कह रहे थे किशोर जी, एक थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल है टिप्पणी अगर। हाँ, क्योंकि सरदार इंटेलेक्चुअल के जो टिप्पणी लगे। बहुत अच्छे, सुनो मैं कुर्ते पे आ जाऊंगा। हाँ, आपकी सीटें बढ़ाने लगूंगा। आप कह रहे थे जब इनने कहा तो आपने कहा कि भाई उनको वोट मिलते हैं भाजपा को, और यही बात उनने कही कि यहाँ आपको वोट मिलते हैं। देखिए मैं सच कह रहा हूँ, इस देश के वोटर की एक प्रवृत्ति है, वोट उसको मिलेगा या तो वोटर से कोई थप्पड़ खा ले। देखो भरद्वाज जी कैसे, या तो वोटर से कोई थप्पड़ खा ले या वोटर में कोई थप्पड़ दे ले, वो भाजपा कर लेती है। मैं सही कह रहा हूँ? और इन दोनों का ही जमाना है। बाकी आप तो जो कुछ भी लाना चाहो वो ले आओ, वो कोई धंधा बदल लो। आपने 3-4 बार कहा कि हमने इनका स्पेस ले लिया, हमने इनका स्पेस ले लिया। अभी 2-3 दिन पहले मैंने विधानसभा दिल्ली का दृश्य देखा, जब केजरीवाल जी खड़े हुए थे और उनके सामने 3 बिल रखे हुए थे, पहले ये, फिर दूसरा फार, फिर तो मैंने वो पूछा प्रताप, मैं कहता दू ये एक साथ फार देते किलर नहीं फुटेज ले रहे हैं। सौरभ भैया, मैंने वो दृश्य देखा, मुझे बड़ा अद्भुत लगा, तो मैंने उसको कविताबद्ध किया। दृश्य है कि जब केजरीवाल जी फाड़ रहे होंगे उस बिल को तो उनके मन में क्या चल रहा है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, छोटा सा हास्य बन रखा। केजरीवाल जी सोच रहे हैं
के फाड़ दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो बिल के साथ क्या सुलू दिया जाए, फाड़ दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो बिल के साथ क्या सुलू किया जाए, अवसर पाया जाए या चूक दिया जाए, बोलो बिल के साथ क्या सुलू किया जाए। के सर जी ने कह दिया मैं भी धरूंगा धरना साथ में है, लागू किया था कल जो फिर ले लिया वो बिल हाथ में, के चाट लिया जाए या थूक दिया जाए, बोलो बिल के साथ क्या सुलू जाए, बोलो बिल के साथ क्या सुलू किया जाए, जो भी किया जाए दो टूक किया जाए, बोलो बिल के साथ के 16 में बोला था जो सन 2016 16 में बोला था जो हमको दिलाना ना वो याद जी है। 16 वाला मैनिफेस्टो आपको पंजाब का, 16 में बोला था जो हमको दिलाना ना वो याद जी है, हमको पता है कैसे बनती पराली से है खाद जी। क्या कहने अब सर की पराली अब सर पा पराली को फूंक दिया जाए, बोलो बिल के साथ क्या सुलू किया जाए। और मेरा निवेदन है अपना तो 21 से इतना है केवल अरमान जी, फले और फूले भारत माता का जो बेटा है किसान जी, फले और फूले केवल माँ का बेटा है जो हाँ किसान जी, उसका रत्ती भर भी कम ना रसूख किया जाए, बोल बिल के साथ क्या बोलो बिल के साथ। और फिर ये सोच के सर ने पर्चा फाड़ दिया, हम कह रहे हैं जो हमने किया वो मोदी जी कर दे, उन्होंने जो पास किए तीनों फेल कर दें, तीनों फाड़ दें, किसान खुश हो जाएंगे, घर चले जाएंगे अपने अपने। पंजाब का चुनाव ना तो फिर ना कहते सभी। सर एक बार मैं फिर से लौट के आ रहा हूँ आपके पास में ही। आपसे आपके पास आना है समाजवादियों के पास। जी 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 आपसे क्या, आपके ऊपर चिल्लाने के हमेशा दाग ही होंगे, बहुत आप एक्टिव रहते हैं, आपके ऊपर चिल्लाने के हमेशा दाग ही होंगे, बीजेपी को निपटाने के बस राग ही होंगे, कभी किसी का मुंह गुस्से में टीवी के बाहर निकल आए आप गौर से देखना वो अनुराग ही होंगे। आप गौर से देखना वो अनुराग ही होंगे। बढ़िया। आप हंस रहे, मुझे अच्छा लग रहा, चार पंक्ति आपके सम्मान में और पढ़ देता हूँ। आप हंस रहे हैं। कभी हम लड़े इलेक्शन, सुनिएगा, कभी हम लड़े इलेक्शन अगर टिकट मिल गई, कभी हम लड़े इलेक्शन तो हार भी सकते हैं, जीत मिल गई यदि तो खुद को तार भी सकते हैं, पर आपके साथ कभी हम डिबेट करेंगे ही नहीं, क्योंकि सामने वाले को पटक के आप बाहर भी सकते हैं, इसलिए आपके साथ कभी मैं डिबेट नहीं करूंगा। और आदरणीय बीजेपी के से बैठे हैं सिंह साहब, आप सोच रहे हैं कि मैं आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहा हूं, आपकी तारीफ मैंने इतनी देर से क्यों नहीं की। स्वागत है। मैं चार पंक्ति आपके सम्मान में, मैं बीजेपी का सच बताऊं बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, अंदर से बीजेपी का ही हूं मैं, कि मिल रही है रोटी वो घास चाह रहा है, मिल रही है रोटी वो घास चाह रहा है, उस पर भी कम्बक कुछ खास चाह रहा है, और बीजेपी के राज में भी हम जिंदा बच गए हैं, इससे भी ज्यादा बेवकूफ वो विकास चाह रहा है, इससे भी ज्यादा बेवकूफ वो विकास चाह रहा है। तो और चार पंक्तियां वल्लभ जी हमारे बैठे हुए हैं, तो सपा वाले कह रहे हैं कि बड़ी पार्टियों समझौता नहीं करेंगे, छोटी छोटी पार्टियों करेंगे, राहुल जी से कोई गठबंधन नहीं करना चाहता, गठबंधन तो छोड़िए, उनसे कोई मिलना नहीं चाहता। मैंने उस पर चार पंक्तियां लिखी, वल्लभ जी को समर्पित कर रहा हूं, कि तेजस्वी का देखने हाल आराम से गई हैं, आप समझ नहीं पाएंगे चौथी पंक्तियों में समझेंगे मैंने क्या कहा। तेजस्वी का देखने हाल आराम से गई हैं, चोरी से नहीं बिल्कुल अपने नाम से गई हैं, और गेटमैन को बुला के बोली
यदि राहुल हमें पूछे तो कह देना बहन जी बाहर काम से गई है। बहन जी बाहर काम से गई है।